या पृथ्वी में आपका घर नहीं बंधा हो, आपका सत्ता का घर नहीं हो, घर बंधा हो तो बेच दिया गया हो, या घर न रह रहा हो, घर का लोन प्राप्त नहीं हो रहा हो, बच्चों के लिए घर नहीं हो, या किसी प्रकार का ऋण हो, तो उस ऋण बाधा को उस गोले के सामने, मिट्टी के गोले के सामने आप बोल लेना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी मंत्र बोलते हुए उदय महाराज उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उसको पत्ते के ऊपर रखना है, प्लेट में नहीं। बाद में उसकी पूजा करनी है। गोले को, मिट्टी के गोले को पत्ते पर रखना चाहिए, कोई भी पत्ता चल सकता है। उसके बाद पृथ्वी मंत्र से उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद वसुधा लक्ष्मी का यंत्र आपके पास रख लेकर हरी स्फटिक माला के साथ 11 माला मंत्र जप करना है, ओम नमो भगवते धरणी धरे स्वाहा, इस मंत्र को। और इस मिट्टी के गोले को आप अगर 40 दिन तक इस मंत्र को 108 बार बोलते हुए करते हैं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा अनुभव है, जब मैं ये साधना किया हूँ तो मैं आज इस 72 एकड़ का जमीन का इस गुरु जी के इसके लिए एक नहीं कम से कम 4 घर बंधा हूँ, और भी निखिल चेतना केंद्र के लिए आप जमीन देख रहे हैं, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, केवल इस साधना के माध्यम से आज अगर मैं कहूँ तो पृथ्वीपति हूँ तो हूँ। आप इस मिट्टी के गोले को 40 दिन तक अपने घर में रखकर अगर पुष्टि करते हैं तो निश्चित रूप से अगर उसके ऊपर चक्र आता है तो कहते हैं कि वह चक्रवर्ती बन जाता है। उस पृथ्वी के गोले का आकार पड़कर उसके ऊपर चक्र का आकार आता है तो वह चक्रवर्ती बनता है। इस मंत्र को करने के बाद आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ऋण हो तो उस ऋण से मुक्ति मिल जाती है। पृथ्वी किसी प्रकार के ऋण को आपके ऊपर नहीं लेने देती। आप पुत्र नहीं होता है तो पुत्र का ऋण है, पिता माता पिता आपके साथ प्रेम नहीं करते तो उसका ऋण आपके ऊपर, गुरु का द्रोह हुआ है तो गुरु का ऋण आपके ऊपर है। तो इन सारे ऋणों से मुक्ति पाने के लिए इस पृथ्वी को, इस गोले को पृथ्वी का आकार पृथ्वी समझकर पूजा करना चाहिए। पृथ्वी के मंत्र के आधार से इसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद हम वसुधा लक्ष्मी यंत्र को उस गोले पर रखकर हरी हकीक माला से ओम धरण्ये, ओम नमो भगवते धरण्ये धन्य धरे स्वाहा, मेरे सामने ही करना है। और ओम, आप मिट्टी का गोला लेकर आएंगे तो मैं आपके किसी भी प्रकार के ऋण के लिए शक्तिपात दीक्षा दूंगा और ऋण की आप ऋण से मुक्ति हो जाएंगे। आप अगर अपने माता पिता से छूट कर दूर रह रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने गुरु की सेवा नहीं हो रही है, आप पृथ्वी का ऋण नहीं चुकाए हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का ऋण है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, पहले तो हम पुत्र बनकर जन्म लेते हैं तो अपने माता पिता का ऋण पहला ऋण है, उसके बाद पितरों का ऋण है, उसके बाद पृथ्वी का ऋण है, उसके बाद अपने आसपास लोगों का ऋण है। ये इसी प्रकार अपने पास ऋषि ऋण, बहन का ऋण, पत्नी का ऋण, पुत्रों का ऋण, पितरों का ऋण और पृथ्वी का ऋण, देवता ऋण और ऋषि ऋण, इतने प्रकार के ऋण अपने को पाए जाते हैं। उस ऋणों से मुक्ति पाने के लिए इस साधना को करनी है। आपकी किसी प्रकार का ऋण से भी मुक्ति पाने के लिए यह साधना अपने जीवन में संपन्न की जाती है। और इसके बाद वो पृथ्वीपति बनता है, पृथ्वी उसको अपनी जगह स्थान देती है और सारे ऋणों से मुक्त करके ऐसा कहा गया है। आप अभी उसको सामने रखने के बाद आप इस वसुधा लक्ष्मी यंत्र स्फटिक हरी स्फटिक माला को अपने पास रखकर रख रहे हैं। अभी उदय महाराज फूल और उसके साथ पृथ्वी मंत्र बोलते हुए उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जिस गोले आपके सामने, आपका एक हाथ हृदय पर रखो, दूसरा हाथ पृथ्वी पर, उस गोले पर रखो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। ओम आदो गुरु गणेश स्मरणम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। ओम शिवना पृथ्वी, ओम शिवना पृथ्वी वालक्षरानिवेशानि यच्छान शर्म स्पृधा, ओम भूर्भुवः स्वः पृथिव्यै नमः। आवाहयामि आवाहनार्थे अक्षतां समर्पयामि। अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रादृशः गायत्रीष्णुप्रणष्टुं छन्दांसि आं बीजं ह्रीं शक्तिकरौं किलौ अस्य पृथिवी प्राणप्रतिष्ठापणे विनियोगः। हृदय को स्पर्श करें और पृथ्वी को, उस गोले को स्पर्श करें। ओम आं ह्रीं क्रों अं यं रं लुं वं शं समं हं लुं क्षं अः क्रों ह्रीमा अस्य प्राणैः प्राणाः। ओम आम ह्रीं क्रों अं यं रं लुं वं शं समं हं लुं क्षं अः क्रों ह्रीमा अस्य जीवैः स्थिताः। ओम आम ह्रीं क्रों अं यं रं लुं वं शं समं हं लुं क्षं अः क्रों ह्रीमा
अस्य सर्वेन्द्रियाणि ओम आम ह्रीं क्रोम अम यम रम लम शम सम हम लम शम आहा क्रोम ह्रीमाम अस्य वाग मनस्पक्ष चक्षु श्रोत्र जीवा घ्राण पाणि पाद पयोपस्थानि अहिवागतम सुखम चिरंतिष्ठन्तु स्वाहा। 15 बार ओंकार का जप करें, 15 बार ओम ऐसा उच्चारण करें। दिव्य नमः परा प्राणशक्ते नमः स्फुलोकजारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। पृथिव्यै नमः लं पृथ्वीतत्त्वात्मकं गन्धं परिकल्पयामि। पृथिव्यै नमः अहम् आकाशतत्त्वात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। पृथिव्यै नमः यं वायुतत्त्वात्मकं धूपं परिकल्पयामि। पृथिव्यै नमः रं अग्नितत्त्वात्मकं दीपं परिकल्पयामि। पृथिव्यै नमः वम अमृतत्वात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि। पृथिव्यै नमः सं सर्वतत्वात्मकं तांबूलादि सर्वोपचारान् परिकल्पयामि। उसके पश्चात उस पर यंत्र को स्थापित करें। पृथ्वी यंत्र आपको सुधा लक्ष्मी यंत्र है वो जाके ला लें और आप उस गोले पर उस यंत्र को स्थापित करें और हरि हकीक माला से मंत्र को करना है। मंत्र आपको आने के बाद मैं मंत्र जप दूंगा। गोले को यंत्र यहाँ रखा हुआ है माता जी सामने, वैसा चिपकाओ यंत्र को, गोले को चिपकाओ, मिट्टी के गोले को यंत्र को चिपका दो। यहाँ डिस्प्ले में देखो आपको पता चल रहा है। और पृथ्वी के गोले को हाथ लगाओ, उदयमाला श्री सूक्त को पढ़ेंगे, वसुधा लक्ष्मी मंत्र के सामने श्री सूक्त का पाठ करेंगे। आप उसके ऊपर पुष्प चढ़ाते हैं, उसका हाथ लगाओ और आपके जीवन में किसी प्रकार का रोने, गलती से कभी आपके माता पिता की सेवा अपनी नहीं बनती या अपने माता पिता अपने से दुखी होते हैं, अपने पति अपने से दूर होते हैं, अपने बच्चे अपने से दूर होते हैं, अपनी पृथ्वी दूर होती है, अपने को घर नहीं होता, उतना भी कमाने पर घर हुआ है तो बेच देते हैं, ऐसी समस्या आने पर इन सभी को प्राप्त करने के लिए मैं आपको निश्चित रूप से गुरु जी के सामने लेकर कहता हूँ कि मैंने ये साधना संपन्न की थी, बाद में ही मुझे यह जमीन जो गुरु निखिल चेतना के मित्र के बारे में मिली और आज भी अगर मैं संपन्नवान हूँ तो इस साधना की वजह से। यह साधना करने के बाद 40 दिन इस गोले के सामने 108 बार रोज एक माला मंत्र जप करना है और 41वें दिन आपका घर हो या आपका खेत हो या बोरी में पानी नहीं पड़ रहा हो, घर में पानी नहीं हो, ऐसा हो या नहीं, तो इस गोले को लेकर कोई कुंड या तालाब में इस गोले को उसके पानी में मिला देना चाहिए जिससे पृथ्वी प्रसन्न हो जाती। पृथ्वी का गोला पृथ्वी में ही रख देना चाहिए। पर्टिकुलरली विशेषतः आपका कोई खेत हो, आपका घर हो जो नहीं बन रहा हो, उस घर में इसकी पूजा करके उस मिट्टी को सब घर में डाल देना चाहिए और इस घर की प्रार्थना करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का आपका ऋण हो तो उस ऋण के लिए इसके सामने प्रार्थना करो। अभी श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त दो भी पढ़ा जाएगा, उस गोले को हाथ गोले के ऊपर हाथ रख देना। लक्ष्मी स्वरूपिणे श्री पृथ्वी नमः। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीर्मृतभामिनीम यस्याम हिरण्यम् विन्दे अङ्गाम श्वम्भुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यामस्तिनाथ प्रबोधिनीम श्रियं देवी मुकुभये श्रीर्मा देवी जुषताम ताम सोऽस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्रम जुलन्तीम कृतान्तर्पयन्तीम तद्मे असि ताम पद्मवर्णान्ताम हिमुपभये श्रियम् चंद्रांग्रभासामि सदा जुलन्तीं श्रियं लोके देव जुष्टामुदाराम
पर
इस ब्रह्मा पराया है पृथ्वी से, इसलिए इस पृथ्वी पर महातत्व को प्राप्त करने के लिए इस साधना को जो करते हैं वो महातत्व को प्राप्त करते हैं, इसलिए उसको महापुरुष, महात्मा, महादेव, महाविष्णु ये कहा गया है। वहीं से उसके साथ रहने के कारण इसको कहा गया, जो इस साधना को करते हैं वो इस पृथ्वी पर मही के रूप में महान बनते हैं। ये महान शब्द इसी मही के कारण प्राप्त हुआ है। इस साधना को करने वाले पृथ्वी पर महानता प्राप्त करते हैं। इसको विष्णु ब्रह्मा, विष्णु महादेव शक्ति को भी कहा गया है, और इसलिए कहा गया है ब्रह्मा नहीं रहने के कारण पर ब्रह्म कहा गया। इस बात को ध्यान रखते इस साधना को निष्ठा के साथ कहने वाले करने वाले महानता को प्राप्त करते हैं। 11 माला होने के बाद मैं भूत की आहुति प्रदान करूंगा, उससे पहले मैं माता जी को लेकर जाकर पहले 1 से 8 आहुति दे देता हूँ, बाद में 11 माला मंत्र जब माता जी को करने को कहता हूँ, क्योंकि सब रश हो जाता ना, पहले मैं वहाँ 1 निकुंड के पास जा रहा हूँ, पहले साधना कर लेके पहले आहुति डाल लेता हूँ, बाद में माला करता हूँ। आप लोग माला मंत्र जब कर लीजिए,